रीजनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है ये अयूब सच इंस्टीट्यूट का एक ज़ैली इदारा है और उसी के मतहत काम करता है। खानपुर में इस इदारे का क्याम 1950 में मार्ज वजूद में आया था, फिर 1969 में यहाँ बहावलपुर में शिफ्ट किया गया और फिर 1987 में इसकी अपग्रेडेशन करके इसको डायरेक्टरेट का दर्जा दिया गया। इस इदारे में बहुत से सेक्शन हैं जिसमें हमारा वीट जिसको इकोनॉमिक बार्डनिंग सेक्शन कहते हैं वो काम कर रहा है, जो कि वीट की वैरायटी डेवलप करता है। उसके अलावा यहाँ वेजिटेबल सेक्शन भी है, फिर इंटोमोलॉजी सेक्शन है, पैथोलॉजी सेक्शन है, एग्रोनॉमी सेक्शन भी है और यहाँ ऑयल सीड सेक्शन और पल्सेस सेक्शन भी काम कर रहा है। इस इदारे का जो बुनियादी मकसद था वो था कि जनूबी पंजाब के आबोहवा और क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ की वैरायटीज और टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएँ। इस इदारे ने पिछले जो है एक डेढ़ दो डिकेड में तकरीबन 24 वैरायटीज डेवलप की हैं मुख्तलिफ, जिनमें से 16 वैरायटीज जो हैं गंदम की हैं, जिनमें हमारी बहुत अहम वैरायटी जो आस 11 थी, उसके बाद जौहर 16 थी, गोल्ड 16 थी, फिर गाजी 19 आई, फिर अभी हाल ही में 2021 में दो बेहतरीन वैरायटी नवाब 21 और सादिक 21 के नाम से डेवलप की गई। इन में से जो नवाब 21 है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ है और इसमें जो है इसमें जिंक की मकदार वो 39 ppm तक है। मेरे पास इस टाइम राया क्रॉप है, मैं ऑयल सीड क्रॉप पे रिसर्च करती हूँ। राया में हमारे पास दो अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, एक बहावलपुर राया है और एक हमारी लेटेस्ट वैरायटी है चोलिस्तानी राया, जो पिछले साल 2023 में अप्रूव हुई है, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट नेशनल और माइक्रो ट्रायल भी आते हैं, उस पर भी हम रिसर्च करते हैं। इस टाइम जो हम जिस फील्ड में ठहरे हैं ये एक हमारा स्पेशल ट्रायल इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने शुगर केन की डिफरेंट क्रॉप्स के साथ इंटरक्रॉप की है। जो मेन हमारा क्रॉप है वो शुगर केन है, उसके साथ हमने राया लगाया है, वीट लगाया है, अनियन है और गार्लिक है। तो बेसिकली जो हमारा प्लस पॉइंट इस ट्रायल का है कि हमने शुगर केन रेज बेड्स के ऊपर लगाया है, जो कि आम तौर पर फार्मर्स नहीं लगाते, और इससे हम ये फ़ायदा लेना चाहते हैं कि पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो है वो हमारी मैक्सिमम यील्ड हो जाए। और थर्डली जो है ये इसके अंदर हमारी मॉइस्चर कंजर्वेशन और नो यूज़ ऑफ वीडीसाइड है, तो इंशाल्लाह इसके देखते हैं आगे बेहतरीन नतीजे होंगे। हमारा बेसिकली सेक्शन का ये मकसद होता है कि जो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में यूज़ होने वाली और उनकी ब्रीडिंग वाली क्रॉप्स हैं उनके इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल में रखा जाए और उनकी स्क्रीनिंग का काम भी किया जाए। मेरे पीछे जो ट्रायल आप देख रहे हैं ये भी वीट की स्क्रीनिंग के लिए लगाया गया है। इसका मकसद ये है कि इस पे जो न्यू लाइंस ब्रीडिंग लाइंस डेवलप हो रही हैं उन पे होने वाले एफिड के अटैक को देखा जाए और देखा जाए कि उनमें कितनी रेजिस्टेंट या ससेप्टिबिलिटी पाई जाती है। इसी तरह हमारा दूसरा काम ये होता है कि इनके कंट्रोल के तरीके को चेक किया जाए और न्यू तरीके डिस्कवर किए जाएँ। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब।